दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको विश्व खुशहाली रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों 20 मार्च को विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया गया है, तो उनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो सारा आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा और डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है, ये वीडियो आप पूरा देखें, वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जाता है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो दोस्तों विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जारी करता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखें कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जारी करता है, और ये 6 कारकों के आधार पर तय किया जाता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट को जारी करने से पहले 6 कारकों को आधार बनाया जाता है, और उन्हीं कारकों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इसमें जो 6 कारक हैं वे हैं आय, स्वस्थ जीवन, प्रत्याशा, सामाजिक सपोर्ट, आज़ादी, विश्वास और उदारता। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 6 कारक कौन कौन से हैं? आय, स्वस्थ जीवन, प्रत्याशा, सामाजिक सपोर्ट, आज़ादी, विश्वास और उदारता। इन्हीं के आधार पर संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है, और इस बार जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी हुआ वो 20 मार्च को जारी हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि विश्व खुशहाली दिवस कब घोषित किया गया था। तो ये विश्व खुशहाली दिवस घोषित किया गया था 20 मार्च 2012 को, आप इसे ध्यान में रखना है। इसे 20 मार्च 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे घोषित किया था, और तभी से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास मिशन नेटवर्क द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। 20 मार्च 2019 को जो ये रिपोर्ट जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ये रिपोर्ट ये 7वां रिपोर्ट है। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि 20 मार्च 2012 को इसकी शुरुआत हुई, और प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस रिपोर्ट को जारी करने से पहले इस बात को ध्यान में रखा गया था कि उस देश का नागरिक खुद को कितना खुश महसूस करते हैं। इससे इस बात पर भी गौर किया गया था कि चिंता, उदासी और क्रोध सहित नकारात्मक भावनाओं में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है, या वृद्धि हुई या फिर कमी हुई। तो इन सारे बातों को इसमें ध्यान में रखा गया था, इस बार जो 7वीं बार विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया गया है, तो इसमें इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लगातार दूसरे वर्ष फिनलैंड इस लिस्ट में, इस सूची में सबसे पहले स्थान पर है। पिछले वर्ष 2018 में भी फिनलैंड पहले स्थान पर था, और इस वर्ष 2019 में भी जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया गया है इसमें ये पहले स्थान पर है, शीर्ष पर रहा है ये फिनलैंड। तो एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके अभी जो फिलहाल रेलवे का एग्जाम आने वाला है, SSC CGL का एग्जाम आने वाला है, तो रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, ये सब सारे एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप 7वीं प्रीलिम्स भी देने जा रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न अक्सर देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट से संबंधित जितने भी टॉपिक, जितने भी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं उन सभी से प्रश्न अक्सर आता है, तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो रिपोर्ट जारी किया गया इसमें भारत का क्या स्थान रहा, पिछले वर्ष भारत का क्या स्थान था। तो दोस्तों ये जो संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया गया है, तो इस साल भारत का स्थान है 140वां, पिछले वर्ष के मुकाबले ये नीचे है। पिछले वर्ष जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें भारत का जो स्थान था वो था 33वां। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में समग्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट में गिरावट आई है, और जो ज़्यादातर भारत में निरंतर गिरावट आई है, भारत का कुछ ज़्यादा ही गिरावट आया है इसमें रिपोर्ट में। भारत 2018 में इस मामले में 133वें स्थान पर था, लेकिन इस वर्ष जो 7वां जो खुशहाली रिपोर्ट जारी किया गया 20 मार्च 2019 को, इसमें भारत का स्थान है 140वां। तो ये भारत की दृष्टि से अच्छा नहीं है, ये 7 अंक नीचे आ चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी मैंने आपको बताया कि फिनलैंड लगातार दूसरे वर्ष ये खुशहाल देश बन गया, पहला शीर्ष पर है ये फिनलैंड, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फिनलैंड के बाद जो भी देश हैं उसके बाद है डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और नीदरलैंड। तो ये है क्रम, फिनलैंड के बाद है डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और नीदरलैंड, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के बारे में हम यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको। तो इस लिस्ट में जो खुशहाली रिपोर्ट जारी किया गया, तो इस लिस्ट में पाकिस्तान का स्थान था 67वां, इस लिस्ट में पाकिस्तान हमसे आगे है। और फिर नेक्स्ट है बांग्लादेश, बांग्लादेश का स्थान है 125वां। और फिर अगर वहीं पर चीन की बात करें तो चीन इस लिस्ट में 93, यानी 93rd स्थान पर है, तो इन बात का भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों वहीं पर अगर अफगानिस्तान की बात करें तो इस लिस्ट में अफगानिस्तान 154वें स्थान पर है, और रवांडा 152वें स्थान पर है, जबकि तंजानिया इस लिस्ट में 153वें स्थान पर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि जो फिनलैंड है वो शीर्ष पर है, यानी कि पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क,
फिर नॉर्वे, फिर आइसलैंड और फिर नीदरलैंड। और फिर पाकिस्तान है 67वें स्थान पर, बांग्लादेश 125वें स्थान पर और चीन 93 यानी कि 93rd स्थान पर। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अफगानिस्तान 154, तंजानिया 153, रवांडा 152। अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश होने के बावजूद, अमेरिका जो है विश्व का सबसे अमीर देश माना जाता है, और अमेरिका विश्व का सबसे अमीर देश होने के बावजूद भी इस खुशहाली लिस्ट में यानी कि खुशहाली जो जारी किया गया है, रिपोर्ट जारी किया गया, इस रिपोर्ट में अमेरिका 19वें स्थान पर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमेरिका विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कितने स्थान पर है, तो 19वां स्थान पर है ये अमेरिका। एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा, फिनलैंड लगातार दूसरे वर्ष इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। तो दोस्तों ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप यहाँ पे मैंने जितने भी महत्वपूर्ण बातें बताई आप इसे कॉपी में नोट करें और इसे याद करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से अगर हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।